तो माशाल्लाह ये हमारे सोलर वाले आगे हुए हैं और आज हम अपना सोलर का सिस्टम अपडेट करवाते हैं। सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है भाई? कैसे ऐसे भी कर लो। ये जी शकील भाई विक्ट्री का निशान बना रहे। तो शकील भाई लोगों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसीम व्लॉग। तो अल्लाह ताला की रहमत फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज हम लोग अपने जो सोलर सिस्टम हमारे घर का लगा हुआ है उसको अपडेट करने जा रहे हैं। तो आप दोस्त मेरे आ रहे हैं सोलर प्लेट्स दे के, जिन भाइयों ने ऊपर फिटिंग करनी है तो वो आते हैं, तो आपको सारा प्रोसीजर दिखाते हैं और साथ में आपको रेट्स भी बताएंगे कि 2023 के अपडेटेड रेट्स क्या हैं। मैंने सिस्टम लगवाया था 2022 के नवंबर में, तभी एक या दो प्लेट्स शार्ट थी, तो मैंने कहा चलो गर्मियों के सीज़न के ना स्टार्ट के अंदर हम लोग वो अपनी प्लेट्स को पूरा कर लेंगे सोलर पैनल को। लेकिन अब जो सोलर पैनल के रेट है ना, अल्लाह माफ़ करे कि मैं आपको क्या बताऊँ कि अगर मैं तभी लगवा लेता ना तो मेरे जितने अभी मेरे सोलर पैनल लग रहे हैं ना उससे डबल ट्रिपल भी लग सकते थे उस टाइम पे। दरमियान में 2-3 महीने गुजरे हैं तो बहुत ज़्यादा रेट अप हो गए हैं। तो वो भाई आते हैं आपको रेट्स भी बताएंगे कि किस रेट पे मुझे मिले हैं और उसकी इंस्टॉलेशन भी बताएंगे कि किस तरह वो जो मेरे पैनल रहते थे बाकी वो इंस्टॉल करते हैं और मेरे जो भी सोलर सिस्टम का UPS है उसकी कैसे वो सेटिंग करके जाते हैं। तो मेरे साथ रहिए, मैं अभी इंतज़ार कर जा रहा हूँ। मुझे उन्होंने फ़ोन किया सोलर वालों ने कि भाई हम पहुँच रहे हैं 2 मिनट में बस। तो टाइम 2 मिनट क्या, इधर से 10-15 मिनट हो गए हैं अभी तक वो आए ही नहीं है। तो मैं तो उनके इंतज़ार में अभी दरवाजे पे ही खड़ा हूँ कि यार पता नहीं कब आ रहे हैं वो। रिक्शे वाले को घर का नहीं पता होगा ना, मैंने तो इशारा करके बताना है कि भाई इधर आना है आपने मुड़ना है। तो अभी देखते हैं कब पहुँचते हैं, जैसे वो पहुँचते हैं उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग उसकी इंस्टॉलेशन जो है ना वो स्टार्ट करवाते हैं। तो माशाल्लाह ये हमारे सोलर वाले आगे हुए हैं और आज हम अपना सोलर का सिस्टम अपडेट करवाते हैं। सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई। तो जी ये रिक्शे पे आ गए हैं, पैनल जो हमारे रहते थे अभी इधर से पैनल उतरवाएंगे, उसके ऊपर जाके सेटिंग करवाएंगे, अपग्रेड करेंगे। सलामुअलैकुम शकील भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। दरवाजा बड़ा खोलना या नानी जी? जरूरत नहीं है वसीम भाई, आप अपना व्लॉग मुकम्मल करें, हम अपना काम शुरू करें। चले ठीक है, आ जाए इधर। मैं मोटरसाइकिल साइड से कर लिया जी, पहले मैं क्या लाने, ये हम जिंको ही आए हैं ना। चलो ठीक है, आ जाओ ले आओ इन्हें अंदर ही, हम कर लेते हैं। इतो ऊपर जाना नहीं हो, अंदरों कर लियो यार, ये ना हो गए। इतने रख लो पहले जिसे रखा जी आप। तो अभी इधर रखते हैं नीचे, इसके बाद इसको छत के ऊपर लेके जाएंगे और इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये जी रिक्शे वाले को कराया, आ लो पाए ने। ओके होगा सर जी, बहुत शुक्रिया। चलो जी हम अंदर से चल रहे ऊपर। माशाल्लाह बड़ी स्पीड है जी सुभान भाई आपकी। एक मिनटों पहले उत्ते आ गए हैं। चलो ठीक है, अभी भी उत्ते आने पे। तो अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर और भाई कर रहे हैं काम और माशाल्लाह बड़ी स्पीड से काम कर रहे हैं। ये लग रहा है कि 5-7 मिनट में ना अपना काम निपटा देंगे। तो अभी देखते हैं, ये ऐसे भी कर लो। ये जी शकील भाई विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। तो शकील भाई लोगों ने नीचे से जो पहले कनेक्शन थे वो ख़त्म कर दिए हैं, अब इसके ऊपर प्लेट्स इंस्टॉल करेंगे और इनको नट बोल्ट वगैरह लगा देंगे। तो यार अच्छा शकील भाई, मैंने एक बंदे ने क्या कहते यार सस्ता है ना, ये सस्ता होता इम्कान है कि नहीं? चलो आप सस्ता लगवा लेना भाई, जैसे आपने पहले सस्ते के चक्कर में पहले अपने दुकान ही लीजिएगा, डोंट वरी। अच्छा मेरे साथ सीन ये हुआ कि जब मैंने ये सिस्टम लगवाया था ना, ये वाली जो मेरी बाकी प्लेटें लगी हुई हैं, तभी ना रेट बहुत कम था। तो सर्दियों के स्टार्ट में था या सर्दियों के दरमियान में था, तो मुझे ना भाइयों ने मशवरा दिया कि यार आप ना कंप्लीट लगवा लो। मैं कह यार नहीं, सर्दियां हैं अभी ना, रेट कम है, मतलब इस गर्मियों में ना अगले सीज़न में लगवाऊंगा शायद रेट थोड़ा सा और सही हो जाए। तो जितना मुझे रेट सर्दियों में मिला था ना, अब उससे डबल रेट में मुझे 2 प्लेटें मिल रही हैं गर्मियों के अंदर। तो अभी पता नहीं और कितना को रेट ऊपर जाएगा, तो मैंने कहा यार इससे पहले कि रेट और ऊपर जाए लगवा लिया जाए। तो भाई सेटिंग वगैरह कर रहे हैं,
अब ये तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इनको, ये सारी सेटिंग हो जाएगी। आलो पिछाला शॉप वीडियो बनाई है सर जी, वीडियो बनाई है। हाँ जी हाँ जी बनाई हुई है, नीचे इंस्टॉल कर दे वीडियो बना लेने। सुफियान भाई बैठे हुए जी साढ़े, तो सुफियान भाई बहुत मेहनती है गए ने सुफियान भाई रेट बहुत ज्यादा यार सोलर पैनल का। सोलर पैनल का रेट ही बहुत ज्यादा हो गया यार। तो इससे एक चीज तो हो जाएगा ना कि बिजली की भाई बहुत बचत हो जाएगी। पहले मेरा बिजली का इतना खर्चा था ना कि सोच है बंदे की, वो मतलब 25-30 हज़ार 35 हज़ार तक बिल आ रहा था। जब से मैंने ये सोलर लगवाया ना मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। तो मशवरा तो आप लोगों को भी यही है कि भाई सस्ते को महंगे को ना देखें, सोलर सिस्टम लगवा लें और अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी ना सूखी बनवा लें, जैसा कि ये सुफियान भाई हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी सूखी कर रहे हैं। अभी मेरा माशाल्लाह ये 3 KV का जो सिस्टम है ना ये कम्प्लीट हो जाएगा। पहले ये 3 KV का पूरा नहीं था, अभी मेरे पैनल सारे पूरे हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ये अभी ये 3 KV का ना मेरा सिस्टम कम्प्लीट हो जाएगा। हमारे अगर किसी व्यूअर ने सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना हो ना, तो बूरेवाला में गैलेक्सी सोलर जो है ना कंपनी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे पैनल प्रोवाइड कर रही है और बिल्कुल जेन्युइन A+ काम करते हैं ये लोग। इनके अंदर वो नहीं है कि बताना कुछ और करना कुछ। माशाल्लाह ये मेरे जो पैनल लगे हुए हैं ये सारे जिनको के A+ पैनल लगे हुए हैं। अभी भी मैं जब पैनल लेने गया ना तो मुझे भाइयों ने यही मशवरा दिया कि सर आप जिनको ही लगवाएं या लोंजी लगवाएं, तो क्योंकि ये दोनों Tier 1 के हैं और दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो भाइयों ने मुझे यही मशवरा दिया कि भाई आप ना वही पैनल लगवाएं, थोड़े बहुत सस्ते या ज़्यादा को ना, ज़्यादा की तरफ ना आ जाएं, आप अच्छी चीज़ ही लगवाएं। तो मम्मी जान इनके लिए भाइयों के लिए बना रही हैं चाय, तो जब तक चाय बनेगी। हाँ सुफियान भाई कह रहे इस बात में बड़ा वजन है, तो जब तक अम्मी जान चाय बनाती हैं भाई इधर से सोलर का अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद बैठ के हम सारे चाय पियेंगे। अच्छा इसके ना एक काम करना तुसी, एदा ना तुसी वो परफॉर्मेंस भी थलो मैंने थोड़ी चेक करवा के जानी। अच्छा चलो ठीक हो गया। तो बस ये काम इनका हो गया कंप्लीट ऑलमोस्ट, नट लगाने में रह गए जिससे ना ये इनकी मजबूती हो जाएगी प्लेट्स की वजह से। तो बस कनेक्शन ही रह गए, एक वायर ही जोड़नी है इन्होंने ऊपर से, तो ऊपर का छत का काम सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नीचे से जाके बस UPS को ऑन करके चेक करना है कि ये कितना करंट दे रही है। तो बस इधर से तो काम कंप्लीट हो गया, अब नीचे चलते हैं। सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो गया हुआ है और अभी मैं आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस का बता देता हूँ कि अभी मेरे घर में कोई कंजप्शन नहीं हो रही, जस्ट एक फ्रिज चल रही है, तो 176 वाट जो आगे यूज़ हो रही है और 296-97 ऊपर से ये ले रहा है। ये इतना इसलिए ले रहा है क्योंकि हमारी आगे से कंजप्शन कम हो रही है। अगर हमारी कंजप्शन बढ़ जाएगी तो ये भी ऑटोमेटिकली सोलर से एनर्जी ज़्यादा लेनी शुरू कर देगा। मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाता हूँ इसका थोड़ा सा, ताकि आपको भी पता चले कि मैंने अपने सिस्टम को अपग्रेड किया है तो इसके अंदर क्या चेंजेस आई है। मैं भी अपना वाटर पम्प चलाता हूँ और इसके ऊपर देखिएगा कि वाटर पम्प चलाने के बाद ये इधर से कितनी एनर्जी ऊपर से लेनी, ये इतनी की एनर्जी लेता है जितनी के इसे मतलब चाहिए होती है सूरज से। आपको अभी पीछे आवाज़ भी आ रही होगी, वाटर पम्प चल गया और ये माशाल्लाह देखें कि ये 2023-2024 इतनी दे रहा और सिर्फ 1666 या 1660 इसके ऊपर से कंजप्शन है, मतलब ज़्यादा एनर्जी ले रहा है इतनी टोटल वाटर पम्प फ्रिज वगैरह करके बाकी सारी चीज़ें चला के इतना आगे से यूज़ हो रहा है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। आप भाइयों को भी यही मशवरा है कि आप अपने घर का जो सिस्टम है ना वो सारा सोलर के ऊपर अपग्रेड करवा लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सिस्टम हो गए इंस्टॉल, तो इंशाल्लाह अल्लाह ख्याल रखे अब जितनी भी कंजप्शन हुआ करेगी वो सारी सोलर के थ्रू ही हुआ करेगी। बस ये है कि अगर पहले सारा कंप्लीट सिस्टम पहले ही लगवा लेते तो आज इतने पैसे नहीं देने पड़ते एक्स्ट्रा, लेकिन जो किस्मत में हो वही होता है। तो अभी जो पैनल मेरे रहते थे वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल करवा लिए हैं, तो अब मेरा सिस्टम बिल्कुल कम्प्लीट चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपने इस वीडियो को इन्जॉय भी किया होगा और रेट्स वगैरह भी आपने अपडेट किया, जो हमने आपको अपडेट करवाए हैं वो भी देखे होंगे कि नवंबर में क्या रेट थे और अभी फरवरी 2023 में क्या रेट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और आपने हमारी वीडियो को लाइक किया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में
हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।